नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। देश में आवश्यकता वस्तु अधिनियम अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान बंगाल में आए बहुत बड़े अकाल के कारण लागू किया गया था। इस अकाल में 10 लाख के करीब लोग मारे गए थे और खाद्य पदार्थों की किल्लत होने लगी थी। अंग्रेजों ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अनाज की स्टोरेज कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र ने यह बात आज भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता वस्तु अधिनियम लागू किया गया था ताकि कोई अनाज का स्टॉक ना करे, लेकिन अब देश में स्थिति बदल चुकी है। आज किसानों की मेहनत के कारण देश में अनाज का 3 गुना स्टॉक है। इसी कारण देश में आवश्यकता वस्तु अधिनियम की जरूरत नहीं रह जाती है। उन्होंने कहा कि इसी तरह कृषि सुधारों के लिए पिछले कई सालों में कई आयोग बनाए गए। स्वामीनाथन आयोग सहित अन्य कृषि सुधार प्रयासों में यह साफ तौर पर कहा गया है कि कृषि क्षेत्र को सरकार के अधिकार से आजाद करना चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध के चलते इन कानूनों के पक्ष में कई और बातें कही। भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए किसानों के हित के लिए ये नए कृषि कानून लागू किए हैं, मगर इनकी वजह से जिन लोगों की दुकानदारी बंद हो गई है वही विरोध कर रहे हैं। कैप्टन भूपेंद्र के अनुसार कृषि कानूनों का विरोध मुख्य रूप से कांग्रेस शासित पंजाब राज्य की तरफ से हो रहा है। पहले पंजाब में लोगों ने रेलें रोकी, मगर फिर बात नहीं बनी तो देश की राजधानी को घेरने का काम किया गया ताकि सरकार पर दबाव बने। उस समय के हिसाब से कई कानून बनाए गए थे, उनमें से एक कानून था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कि जो ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत जरूरी हैं उनका आप ज़्यादा अधिग्रहण नहीं कर सकते, एक लिमिट बना रखी थी हर चीज़ पे, और मूल रूप से उसमें खाद्य पदार्थ थे, क्योंकि कमी थी तो कोई स्टॉकिंग कर लेगा तो फिर ब्लैक में बेचेगा क्योंकि बाकी जगह कमी है। आज हम सारे के सारे समझते हैं कि उसका कोई औचित्य नहीं बचा क्योंकि देश के अंदर वैसे ही इतना ज़्यादा सरप्लस हो रखा है। ऐसे ही तीन कुल मिला के अभी कानून बनाए गए हैं। मैं ये बताना चाह रहा था कि स्थिति कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं हम आज के दिन। एक सारे सिस्टम का ओवरऑल करने की ज़रूरत आने लगी थी। पिछले 25-30 साल से विभिन्न जो आयोग बने, विभिन्न जो कमीशन बने, इस स्थिति को बदलने के लिए, क्योंकि क्या है, ज़्यादा अगर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, अनाज ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो रुलता फिरेगा और वो ख़राब होता फिरेगा, उसकी कदर नहीं बचेगी, उसके बाद मार्केट में रेट कम हो जाएगा, इस प्रकार की कई दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। तो अब एक नई व्यवस्था की ओर चलें तो स्वाभाविक रूप से तत्कालीन उस समय जो भी सरकारें थीं उन्होंने आयोग बनाए कि भाई इसको चीज को एक्सपर्ट्स को बिठाया कि भाई इस स्थिति को ठीक कैसे किया जाए, इसके अंदर सुधार कैसे लाया जाए। तो 25-30 साल से हम लोगों ने सुना है, एक स्वामीनाथन कमीशन बना था जिसका सबसे ज़्यादा नाम आता है, उन्होंने कई बुनियादी चीज़ें बताई, कई चीज़ें जिनके अंदर एक चीज़ ये भी थी कि भाई मार्केट मोटे रूप से फ्री होना चाहिए, मार्केट के अंदर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। अभी तक क्या था, एक प्रदेश के अंदर कुछ उगता है वो दूसरे प्रदेश में आप खुले में नहीं बेच सकते, बल्कि यहाँ तक भी था APMC एक्ट जो बना था उसके अंदर आप मंडी के सिस्टम के अलावा बाहर बेच ही नहीं सकते डायरेक्ट खुले में, छोटा मोटा जो बिकता था वो भी उनकी या तो मेहरबानी से बिकता था या कहीं ना कहीं उनके आँखें, क्योंकि सब जगह वो कवर नहीं कर पाते थे, उससे बच के बिक्री होती थी। कृषि अगर सुधार करनी है, अगर अन्नदाता का सुधार करना है, तो जितनी मर्जी दिक्कत आएगी, मैं इन नए कानूनों को, जिसको 20-25 साल से हर आदमी जो भी स्वतंत्र रूप से सोचता था इसको लागू करूंगा, और उसी के तहत ये 3 कानून अभी हालिया कुछ दिन पहले हम सब के बीच में ये लागू किए गए। लागू करें तो कई लोगों की अपनी दुकानें बंद होगी, और हम सबको मालूम है
किसी को भी ऐसा अच्छा नहीं लगेगा अगर उनके पेट पे लात लगती होगी। इसकी वजह से एक आंदोलन को शुरू किया गया और प्रमुख रूप से पंजाब के लोगों ने उसको शुरू किया। पंजाब में जब एक महीने तक सारा कुछ चक्का जाम कर दिया और सब कुछ रोक दिया गया, जब वहाँ पे बात बनती नहीं लगी और वहीं के लोग दुखी होने लगे और जो ट्रेन थी उनकी आवाजाही जब बंद कर दी गई थी, उसके बाद उस आवाजाही को खोलना भी पड़ा। जब इन ये सारा का सारा चल रहा था तो लोगों ने देखा भाई जब तक प्रेशर और किसी प्रकार का नहीं बनाएंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं, तो सब लोग पंजाब से उठ के हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि मकसद ये था कि दिल्ली का घेराव कर लो, दिल्ली को ब्लॉक कर दो, दिल्ली को जाम कर दो, अपने आप सरकार के ऊपर दबाव आएगा और सरकार दबाव के अंदर जब प्रेशर महसूस करेगी तो प्रेशर रिलीज करने के लिए उनको ये सारे कानून वापस लेने पड़ेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.